इस वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीफंक्शन। तो हमने जो पिछला वीडियो था रेक्टका, ये हमने इसी में आगे बढ़ाएंगे इसको हम। तो हमने अपने मॉड्यूल के अंदर एक कैलकुलेटर नाम की एक फाइल बना ली और इसके अंदर प्रोग्राम लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया, मतलब फंक्शन ऐड ए कामा बी लेट सम ए प्लस बी और रिटर्न करा दिया सम को, और यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सपोर्ट ऐड और इसको सेव कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ हमने एप जेस के अंदर गए और यहाँ पर इंपोर्ट कर ली फाइल को हमने, यहाँ लिखा ऐड और इंपोर्ट कर ली हमने ऐड को, और यहाँ कैलकुलेटर की जगह हमने कर दिया टेस्ट की जगह कैलकुलेटर कर दिया, और यहाँ लिख दिया ऐड 2,2 और सेव कर दिया। तो हमारे यहाँ पर 4 आ गया, मतलब हमारा फंक्शन चल गया। अब हम जाएंगे फंक्शन के अंदर और मल्टी फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर, और a माइनस बी ए मल्टीप्लाई बी, और यहाँ पर सब दूर हमने सब ट्रैक की जगह सब ट्रैक कर दिया, मल्टी की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और चेंज कर दिया हमने यहाँ पर, रिटर्न में भी सब कर दिया चेंज और यहाँ भी चेंज कर दिया, और a एड सब ट्रैक मल्टीप्लेक्स और डी वाई कंट्रोल एस करके यहाँ सेव कर दिया। अब जाएंगे हम यहाँ पर एप जेएस में, और यहाँ पर भी हम बढ़ा देंगे आगे। हमने इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इम्पोर्ट में ऐड सब्ट्रैक मल्टीप्लेक्स डिवाइड, और यहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया इसको, और यहाँ सब्ट्रैक कर दिया, यहाँ मल्टी कर दिया, यहाँ डिवीजन कर दिया, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लेक्शन डिवीजन सब कर दिया यहाँ पर और सेव कर दिया। तो हमारे एडिशन हो गया 2+2 4, सब्ट्रैक्शन हो गया 0 और मल्टीप्लेक्शन 2 × 2 = 4, और यहाँ डिवीज़न 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम ये बड़े सरल तरीके से मल्टी बना सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन, और इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है।